चीट फंड कंपनी मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरस्वती नगर में दर्ज चीट फंड के एक मामले में पुलिस ने उज्जैन सिंह कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि आरोपी विकास विजय वर्गीय आरोग्य इंडिया मल्टी स्टेट चीट फंड कंपनी का डायरेक्टर है। आरोपी विकास साल 2014 से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से 55 लाख रुपए लेकर फरार हुआ था। रायपुर पुलिस ने उज्जैन से आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि एएसएसपी ने बताया कि मामले में शामिल दो आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। एक आरोग्य इंडिया मल्टी करके नाम से एक चिट फंड कंपनी थी, जो कि उज्जैन से एक डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लाया गया है। विकास विजय वर्गीय, जो कि उज्जैन में एक आलीशान मकान बना के रह रहे थे, और इसमें पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। और अभी हम इसे और भी पूछताछ करेंगे कि इनका और भी किसी मामले में संलिप्तता तो नहीं है। फिलहाल ये बात सामने आई कि इनके द्वारा सिर्फ रायपुर के आसपास लोगों से तकरीबन 55 लाख की इनके द्वारा निवेश करा के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई थी। फिलहाल इसमें सरस्वती नगर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे की जांच कार्रवाई की जा रही है। सन 2016 में निवेशक हरिकेश साहू ने सरस्वती नगर थाना में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी रही। बताया जाता है कि आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के अलावा तीन अन्य राज्यों में भी इसी तरह चीट फंड कंपनी खोलकर लोगों को ठगने का काम किया है, जिसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। डेस्ट टीवी के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ ऋचा सहाय की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।